दीवान में जब तक ये धरती रहेगा तब तक शाहबुद्दीन साहब के साथ का किए हैं। एक मिसाल पर जब गोली चला तो हम लोग दौड़े दौड़े, पूरा जिला में एक वही थे, बाकी लोग नहीं थे, ऐसे वो ही उनका दुश्मन जान के बन गए, वही उनके ऊपर गलत गलत आरोप लगाने लगे। नारायण चौधरी जी, दो दिन पहले आप पे जो गोली चली थी उसको लेकर के आपने मनोज सिंह को जिस तरह से आपने मनोज सिंह पर एक आरोप लगाया था या FIR आपने जो किया, उसके बाद मनोज सिंह का उधर से प्रतिक्रिया आता है कि नहीं वो गोली आपने चलवाया है, सबसे पहले इसको लेकर आप क्या कहेंगे बताएं। देखिए, गोली तो चला है, ये तो सच बात है, पूरे सिवान की जनता जान रही है, प्रशासन भी जान रही है, हर पदाधिकारी जान रहे हैं। अब जांच करना ये तो प्रशासन के काम है, हम कैसे उस पुष्टि कर देंगे कैसे जो हम चलवाए हैं, इसके मतलब वो जान रहे हैं जे हम चलवाए हैं ना, वो कैसे पुष्टि कर देंगे। उस पर STF गठित होगा, SP साहब उस पर अपना सब व्यवस्था लगाएंगे, जांच करवाएंगे, तब पर्दाफाश होगा। जिस तरीके से कैमरा का जो फुटेज वायरल हो रहा है उस फुटेज को देखते हुए उन्होंने मीडिया में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फुटेज से नहीं लग रहा है कि मतलब आपराधिक गोली बल्कि भगाया जा रहा है, गोली नहीं चला रहा, उसको दौड़ा के भगाया जा रहा, पकड़ा नहीं जा रहा है, ये उनका कहना है। नहीं नहीं, तो गलत बात है, हम लोग के ऊपर जब गोली चला तो हम लोग दौड़े दौड़े, पहले तो आया अपराधी तो गाड़ी पर से उतरा, गाड़ी घुमा लिया एक अपराधी, दूसरा अपराधी जो था वो पिस्टल निकाला डांड में से, तब तक मेरा नजर पड़ गया, तब हम बोले चिल्लाकर जब भागिए आप लोग भाई गोली चलाएगा, तो हम लोग भागे भागे तब तक एक फायर भी चला दिया, उसके बाद हम अपने दरवाजा के पास आए तब तक दूसर का चला दिया, उसके बाद हमारे परिवार के लोग दौड़े तो उधर भी एक फायर चला दिया, तो कैसे हम मांग रहे हैं भाई भगाया जा रहा है, हम लोग राइफल बंदूक लेकर दौड़े हैं, उस समय मोटरसाइकिल उपलब्ध नहीं था, इसी माने दुर्भाग्य कहे कि नहीं पकड़ा गया नहीं मारा गया। अच्छा, किस वजह से आप उन पे ये आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह रही है, क्या ऐसे कोई आपका वाद विवाद पहले से था क्या? देखिए, हम लोग का राजनीतिक जो प्रतिबंधा है वो चल रहा है 2018 नहीं 2012 से चल रहा है, आज 10 साल हो गया, 10-12 साल हो गया, 10-12 साल से चल रहा है, और बार बार हर मुद्दे पर हमको कहीं ना कहीं लपेटने के काम करते हैं, हर चीज। लोन भी लिया है क्या? नहीं नहीं, गलत चीज में देखिए, लोन लेना गुनाह थोड़े है, 10 करोड़ का आपने, आपने 10 करोड़ लोन हम लोग क्या करेंगे लेकर भाई, दस लोग को लोन लेकर लोग पचा लेगा, सीधे पॉइंट गलत है। लोन तो टाटा डालमिया लिया है, नीरव मोदी लिए हैं, बड़े बड़े लोग लिए हैं, का पूरे देश लोन पर चल रहा है, तो फिर कौन सा वो कागज लेकर के वो कानून की तरफ ऐसा ही घूम रहे हैं, चुनाव हारते आते थोड़ा वो अपने हिसाब से गड़बड़ा गए हैं। देखिए रमान जी, जिस तरीके से लोन लेना कोई अपराध नहीं है, सभी लोग लोन लेकर अपना निजी काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने लोन लेकर लोन का घपला किया है, बैंक को लोन चुका नहीं पा तो रहे, बैंक को तो कहना चाहिए न हमसे जी घपला हुआ है, बैंक का कोई लेटर इशू करना चाहिए न, घपला हुआ है, कहीं कुछ घपला नहीं है, उनके रिजी में उनके काज चल रहे हैं। आपके बयान में और मनोज सिंह के बयान में जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर चल, अरे उनके रिजी में और उनके कार्यकाल में घपला हुआ है जी, सामने पोखता है, हम लोन लिए हैं तो गलत हो गया, उनके पत्नी के नाम पर लोन है, बिना कोई परमिशन का उनका MPA कर BI माफ कर दिया गया है, वो कैसे हो गया, कहाँ नियमावली है, RBI के कहाँ नियमावली है, नाबार्ड का, कोई और भी है कि उनको सुरक्षा चाहिए जिसको लेकर वो गोली चलवाए थे। अरे यार, सबको तो सुरक्षा चाहिए, देश में जितने लोग हैं सबके ऊपर खतरा है, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको सुरक्षा सरकार कहाँ से मुहैया कराएगी। कह रहे थे कि गोली चलाने वाले 2 व्यक्ति गए थे, वो 3 व्यक्ति का FIR में नाम। अरे भाई, तो हम कैसे मानेंगे, हम देखिए, हम चलाने वाले में तो उनका नाम नहीं दिए, हम दिए जो उनका खर्यंत्र है, उनका उसमें उसी में उनका योगदान है, उन्हीं के इशारा पर चलाया गया है, यह चीज हम कह रहे हैं। सर, कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, राजनीतिक साजिश, राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए सब किया जा रहा है।
हम लोग को पहचान जिला में बाकी है का, पूरे जिले के लोग चिन्ह रहे हैं, हम लोग शुरू से अच्छे काम किए हैं। उनका कल का कहना भी ये था कि ऑल बिहारी चौधरी से क्या मतलब, उनका ज्यादा चेहरा है, वो लोग प्रिय हैं, कि उनको पहचान मतलब कौन गोली चलाएगा माने कौन जरूरी है भाई। और बिहारी चौधरी हम लोग का नेता है, पूरे सिवान के नहीं पूरे बिहार का नेता है। उनसे नहीं चल रहा है तो आपको कैसे चल रहा है? तो अब बता नहीं, वही तो हिसाब वही ना बताएंगे। जब हर चीज के अपना दे रहे हैं मीडिया में, बात को रख रहे हैं, इसको प्रशासन से काहे नहीं कह देते हैं ये गलत है। सर 85-15 का बात आ रहा है, 85-15 का 90% के बात नहीं आ रहा है। नहीं, उनका कहना है कि 85 आप बोले थे, 10% और बताए थे, लेकिन 5% यानी कि आपका कहीं ना कहीं गणित फेल है, ये उनका कहना है। इसको लेकर वो जो बोल रहे हैं उसको गलत, अपने गलत बनाकर बोल रहे हैं। हम वो बात नहीं रखे हैं, हम रखे हैं जो हमारे साथ वोटर जितने कोऑपरेटिव हैं 85% हैं, हम लोग तो A to Z पार्टी में हैं, तो हम कैसे हम लोग ये बात रखेंगे जो 85% 75% 10% माने कहीं ना कहीं जाति का, उनके कहने के अनुसार कि माने आप जाति का समीकरण, जातीय समीकरण पर हम लोग राजनीति करते हैं आज तक, वो किए हैं, वो लड़े थे MP में, वो जातीय समीकरण पर लड़े थे तो उनको 80,000 वोट मिला था। हम लोग ऐसे ही नहीं ना कुछ कर रहे हैं कि आने वाले मतलब 2 से 3 महीने 1 से 2 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन होने वाला है कोऑपरेटिव का। भाई तो हम लोग जातीय समीकरण पर कोई चुनाव जीता है आज ले। अच्छा चलिए रमान जी, जनता समझ नहीं पा रही है सर आपके बयान पे और मनोज सिंह के बयान में, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्या रहा है सिवान में, थोड़ा सा इसको समझाइए जनता को। जनता समझ नहीं पा रही इसलिए कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना किसी सबूत के, आपके ऊपर हम FIR कर दें, आपके ऊपर कोई लीगेशन लगा दें, कोई बात रख दें, ये अच्छी बात नहीं ना है। इसलिए जनता भ्रमित है, जनता धीरे धीरे समझ जाएगी, बहुत से जनता समझ चुकी है ये गलत बात है। हाईकोर्ट गए हैं, प्रधान सचिव किए गए हैं, राइटर किए गए हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं 8 महीना से आज हम देख रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं है। सब उनका जो भी कार्य कर रहे हैं सब विफल हो जा रहा है, आप दिखाई दे रहा है जनता को, तो भी दिखाई दे रहा है। सर आपको बदनाम करने के लिए कहीं उनके तरफ से राजनीतिक साजिश तो नहीं है? देखिए हम लोग सीधे साधे व्यक्ति हैं, अब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, साजिश अपना कर सकते हैं। वो सातिर आदमी है, सातिर दिमाग के आदमी है, बहुत से ऐसे घटना कराए हैं जिला में जो सब लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, जिला के एक एक लोग जान रहे हैं। अब उनके कहने से कोई लोग उनका जो करा हुआ जो चीज है वो खत्म थोड़े हो जाए। प्रशासन से क्या उम्मीदें लगाए हैं सर? अभी आपको बता दें कि आज ही देर रात सोमवार को भी एक व्यक्ति को गोली लगी थी जिससे उसकी मौत हो गई, आज दिन सिवान में से हो रहा है और आपके साथ भी ऐसा महसूस हुआ, अभी बाल बाल बचे हैं गोली लगी। देखिए गोली कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा जो समाज में रह रहे हैं, जो गोली अपने ऊपर चलवाए गार्ड के लिए, सुरक्षा के लिए। हम लोग के पास जनता है तो सबसे बड़ा तो जनता सुरक्षा है, वही हम लोग शुरू से जनता के बीच हम लोग रहे हैं, तो जनता सुरक्षा है, जनता के से बढ़ के कौन है। तो हमको लग रहा है कि जो भी सिवान में घटना हो रही गलत बात है, इसे नहीं होना चाहिए। प्रशासन से हमारा पूरा उम्मीद है, ये जो भी घटना हुआ है प्रशासन जांच कर रही है, अच्छे से उसमें जांच करेगी, सही से दूध के दूध पानी के पानी। सर अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं? देखिए अपराधी यहाँ पे तो प्रशासन कुछ कर नहीं पा रही है। देखिए अपराधी पकड़ना नहीं पकड़ना ये प्रशासन के काम है, हम लोग तो भाई जनता है, जनता के बीच में रहे हैं हम लोग, जनता अपराधी नहीं ना पकड़ेगी, ये प्रशासन का काम है। जो आपके यहाँ संविधान बना है उसमें सब जो भी अपराध का दुनिया में लोग हैं उसको पकड़ना, धरना, जेल भेजना प्रशासन का काम। अचानक शाहबुद्दीन साहब का फिर नाम आने लगा इसके नाम इसमें, जब शाहबुद्दीन साहब थे तब नहीं घोटा रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, शाहबुद्दीन साहब पर कीचड़ उछाल रहे थे, उन्हीं का केस में गवाह बन जाना, उन्हीं को विरोध करना। अब इस आज दुर्भाग्य है जो नहीं है हम लोग के बीच में, मरहूम डॉक्टर शाहबुद्दीन साहब,
ये बहुत दुख की बात है। सबसे हम पुराना साथी थे साथी की जब शुरुआत हुई शुरुआती दौर में हम उनके वही साथ थे वही पूरा जिला में एक वही थे बाकी लोग नहीं थे ऐसे वो ही उनका दुश्मन जानकर बन गए वही उनके केस में गवाह बन गए वही उनके ऊपर कीचड़ उछालने लगे वही उनके ऊपर गलत गलत आरोप लगाने लगे। कैसा साथी भाई साथी कैसा कि अच्छे दिन था हम रहेंगे अब जब दिन मेरा खराब हो जाएगा साथ छोड़ के भाग जाएंगे तो कैसा साथी साथी गादार नुहा जी कहा जा रहा है कि सर जिंदगी में एक ही आदमी से मित्रता हुई थे शहाबुद्दीन साहब उसके बाद किसी से मित्रता नहीं हुआ करना भी नहीं चाहिए उसी आदमी को ऐसे सबसे बड़ा गद्दारी है करना भी नहीं उनका परिवार जान रहा है फैमिली जान रहा है सिवान के सारे लोग जान रहे हैं कि आप किस तरह उनके साथ किए हैं वो आज नहीं वो सिवान का एक मिसाल बन गया है। सिवान में जब तक ये धरती रहेगा तब तक शहाबुद्दीन साहब के साथ का किए हैं वो एक मिसाल बना हुआ है और बराबर वो रहेगा जनरेशन आने नया और पुरान होते रहेगा उसमें आते जाते रहे। क्या मिसाल बन गया है ये बताइए उसको रोशन निकालेंगे आप बता रहे कि मिसाल बन गया देखिए शहाबुद्दीन साहब गरीबों का जन जन के नेता थे ना शहाबुद्दीन साहब के लोग जितना कीचड़ उछाल ऐसा आदमी नहीं थे। शहाबुद्दीन साहब हम लोग के बीच के बहुत वो राजेंद्र बाबू का दूसरका उनका स्थान था राजेंद्र बाबू का जो धरती है दूसरका स्थान था। शहाबुद्दीन साहब का देश विदेश में हर जगह नाम है हर जगह लोग फोटो लगाए हैं